इसीलिए आप लोगों के लिए सबसे पहला 2023 का फेसबुक फीचर अपडेट लेके आया हूँ। ये अभी आप देख सकते हो स्क्रीनशॉट जहां पे शो किया जा रहा है स्वाइप अप लिंक। दोस्तों ये पहले मोबाइल पे आप लोगों को करने के लिए मिल रहा था, मगर डेस्कटॉप पे या लैपटॉप वर्जन पे आप लोगों को स्वाइप अप लिंक ऐड करने का कोई ऑप्शन फीचर नहीं देखने के लिए मिल रहा। मगर आप लोगों के लिए अभी सबसे बढ़िया खुशखबरी है कि फेसबुक ने बिजनेस स्वीट के अंदर न्यू एडिशनल फीचर के नाम से स्वाइप अप लिंक ऐड करने का ऑप्शन लगा दिया, और ये एक बहुत पावरफुल फीचर है, क्योंकि इस फीचर के तहत आप लोग आपके फेसबुक की जो ऑडियंस है उन लोगों को डाइवर्ट कर सकते हो। यानी कि फेसबुक पेज के ऑडियंस को आप चाहो तो आपके इंस्टाग्राम पे लेके जा सकते हो, आप चाहो तो आपके यूट्यूब चैनल पे लेके जा सकते हो, आप चाहो तो आपके वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर सकते हो। तो ये एक स्वाइप अप लिंक का पावर है, और ये पावर को अब फेसबुक फिर से री इन्वॉल्व किया है डेस्कटॉप एंड लैपटॉप मोड पे। अगर आप आपके क्रिएटर स्टूडियो को इंटीग्रेट कर लिए हो ऑलरेडी बिजनेस स्वीट के अंदर, तो आप जैसे ही अपना फेसबुक का बिजनेस स्वीट को ओपन करोगे आपको ये ऑप्शन अभी देखने के लिए मिल रहा होगा। अब आपको आया कि नहीं आया उसका तो कोई गारंटी वारंटी मैं नहीं देता, क्योंकि जब भी फेसबुक कोई न्यू फीचर लेके आता है पहले वो टेस्टिंग मोड पे चलता है। तो हो सकता है आप लोगों को कुछ दिन के बाद ऐसे ही एडिशनल फीचर करके स्वाइप अप लिंक देखने के लिए मिले, मगर हमने इसको टेस्ट किया है प्रैक्टिकली, तो चलिए आप लोगों को भी दिखा देता हूं कहां पे आपको आपके बिजनेस स्वीट के अंदर ये स्वाइप अप लिंक देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए मैं अब मेरे बिजनेस स्वीट अकाउंट पे चला आया, और बिजनेस स्वीट अकाउंट पे आने के बाद अगर आप एक स्टोरी अपडेट करना चाहते हो वाया बिजनेस स्वीट तो आपको ये फीचर अभी देखने के लिए मिल सकता है, जैसे मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। तो मैं मोर पे क्लिक करता हूं और क्रिएट स्टोरी करके क्लिक कर देता हूं। तो यहां पे मुझे स्टोरी के लिए मीडिया ऐड करना है, तो ऐड मीडिया पे क्लिक करता हूं, ऐसे कुछ भी ले लेता हूं एक। हाँ तो ओपन जैसे ही मैं करूंगा, अब यहाँ पे देखना जैसे मैंने स्क्रीनशॉट पे दिखाया फीचर के बारे में वैसा ही आपको यहाँ पे भी दिखने के लिए मिलेगा। थोड़ा सा मुझे ऐसे डाउन जाना है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऑप्शन अभी आ चुका है, प्रैक्टिकली आप लोगों को दिखा रहा हूं स्वाइप अप लिंक ऐड करने का ऑप्शन आया है। हो सकता है दोस्तों ये लिंक अभी फिलहाल क्योंकि ताजा ताजा आया है आप लोगों को देखने के लिए ना मिले, या फिर देखने के लिए तो मिल रहा है मगर यूज करने के लिए ना मिले, क्योंकि इस पे अभी कोडिंग बाकी है इंटीग्रेट कोडिंग। तो यहाँ पे क्लिक करने पे हो सकता है ये अभी फंक्शन ना करे, जैसे ये कोडिंग कंप्लीट होगा ये टेस्टिंग कंप्लीट होगा तो आपको यहाँ पे स्वाइप अप लिंक पे क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा राइट हैंड साइड। यहाँ पे आप देख सकते हो व्यू शॉप लिंक, ये क्लिक करके फिर लिंक डालना है, वेब लिंक क्लिक करके फिर लिंक डालना है, नो स्वाइप अप लिंक अगर स्वाइप अप लिंक नहीं चाहते हो। तो यहाँ पे ये आपको सबूत दे दिया, आपको प्रूफ दे दिया कि फेसबुक ने अभी ये फीचर को ऐड कर लिया है। आप जैसी स्टोरी अगर आप अपडेट करना चाहोगे बिजनेस स्वीट के अंदर तो एडिशनल फीचर पे स्वाइप अप लिंक दिखने के लिए मिलेगा, जो कि हैकर लोगों के लिए भी एक किफायती टूल है। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ हैकर लोगों के लिए भी एक किफायती टूल है, किस लिए? क्योंकि हैकर लोग जब भी आपके पेज को हैक करते हैं आमतौर पे वो लोग स्टोरी पे गलत पिक्चर अपलोड करके उस पे स्वाइप अप लिंक लगा देते हैं, तो उन लोगों के लिए भी एक किफायती है जो के पार्ट हैकर से बच के रहो, क्योंकि अभी देखा जा रहा है बहुत सारे पेजेस जो है बहुत सारे हेवी मात्राओं में हैक हो रहा है। तो हैक क्यों होता है, किस वजह से होता है, सारा डिटेल मेरे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है, आपको सर्च करके वो वीडियोस को देखना है अगर नहीं देखे हो। अब बढ़ता हूं अगला अपडेट के तरफ। दोस्तों यहाँ पे अपडेट तो नहीं कहूंगा, मगर हाँ जो मैंने अपडेट पहले दिया था उसके ऊपर अभी मैं रिव्यू करके आप लोगों को फिर से रिफ्रेश अपडेट दे रहा हूँ। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ रील्स प्ले बोनस को ले। बहुत सारे लोगों को आज के डेट पे इंडिया में रील्स प्ले बोनस मिल रहा है, बहुत सारे लोग इंडिया में रील्स प्ले बोनस को यूज करके इस फीचर को बहुत पैसा कमा रहे हैं, मगर उनका क्या, जिनका रील्स प्ले बोनस आ तो रहा है मगर गेट स्टार्टेड करने पे एग्जिस्टिंग पे आउट ऐड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। गेट स्टार्टेड करने के बाद बैंक डिटेल ऐड करने जाता हूं तो वहां पे सिर्फ लोकेशन यूएसए का आता है, इंडिया नहीं आता। यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा ये जो ग्लिच, ये जो बग, ये जो एरर आया हुआ था इस पेज का ही मैंने एग्जाम्पल पहले भी लिया था, ये अभी तक ठीक नहीं हुआ। जबकि यहाँ पे आप देख सकते हो 30 डेज का लिमिट होता है, जब भी $1200 आपको दिया जाता है रील्स पे बोनस के तहत, और ये $1200 एंड हो जाएगा
14 जनवरी 2023 को। अब कुछ ही दिन बाकी रह गया है, मगर अभी तक ये फिक्स नहीं हुआ है। बात चल रहा है मेरा फेसबुक सपोर्ट टीम के साथ, मगर अभी तक इन लोगों ने इसका कोई हल नहीं दिया है। यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे मैं क्लिक करूंगा तो आप देखना एग्जिस्टिंग पे आउट नहीं आ, न्यू पे आउट ऐड करने के लिए बोला जा रहा है, जबकि ये पेज मोनेटाइज है दूसरे टूल से। तो एग्जिस्टिंग पे आउट आना था, और अब अगर आप पहले से मोनेटाइज नहीं किए हो, अब मोनेटाइज करने के बारे में सोच रहे हो, फर्स्ट टाइम है, तो भी आप जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम डेट ऑफ बर्थ ये सब डाल के नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो बैंक लोकेशन पे वहां पे अमेरिका आता है, पे आपको इंडिया नहीं आता है। तो हम आगे प्रोसेस नहीं कर पाते, और आपको मना भी करूंगा आगे प्रोसेस करने के लिए। अगर करोगे तो हो सकता है यूनाइटेड अमेरिका सिलेक्ट हो जाए, और उसके बाद आपको दिक्कत हो पे आउट को लेने में। तो इसलिए अभी तक इस पेज को मैंने मोनेटाइज नहीं किया है। अगर आप मोनेटाइज फिर भी करना चाहते हो तो आप पेपाल अकाउंट को ऐड करके मोनेटाइज करने की कोशिश करना, मगर कोई गारंटी वारंटी नहीं है वो सक्सेसफुली होगा। मगर मैं कोशिश इसलिए नहीं किया क्योंकि पेज ऑलरेडी मोनेटाइज है, दूसरे टूल से पैसा कमा रहे हैं। अब मैं इसको फोर्सफुली फिर से पे आउट क्रिएट करके या फिर पेपाल ऐड करके मैं लिंक करके करना चाहूंगा फोर्सफुली, तो हो सकता है मेरा जो आने वाला पे आउट है वो अटक जाए। तो ये इसके लिए मैं ये रिस्क नहीं लूंगा, और आप लोगों को भी मना करूंगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों ये अपडेट तो मैंने दे दिया रील्स प्ले बोनस को लेके, मगर यहाँ पे आप लोगों के लिए खुशखबरी भी है, वो है इंस्ट्रीम ऐड पे मैं क्लिक करूंगा, और यहाँ पे मैंने दिखाया था एड्स ऑन रील्स का जो अर्निंग है वो कुछ कुछ पेजों का अपडेट नहीं हो रहा, वहां पे 0-0 ही एस्टिमेटेड अर्निंग शो कर रहा था। मगर यहाँ पे खुशखबरी ये है, अब फेसबुक पे बहुत सारे सपोर्ट पे बात करते 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 मैंने तो इस पेज का इशू को सॉल्व कर लिया है। आप देख सकते हो रील्स पे जैसे ही मैंने क्लिक किया इंस्ट्रीम ऐड के अंडर में आके, तो एड्स ऑन रील्स का जो एस्टिमेटेड अर्निंग इस पेज का है वो शो कर रहा है। तो आप लोगों का जिसका भी ये इशू था जरूर देखना जाके एड्स ऑन रील्स का अर्निंग अभी शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और जिनको अभी तक पता नहीं है एड्स ऑन रील्स का अर्निंग कहाँ पे शो होता है, तो आप लोग यहाँ पे भली बात ही देख लिए हो। मोनेटाइजेशन पे क्लिक करके इंस्ट्रीम ऐड पे क्लिक करना है, और फिर रील्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एस्टिमेटेड अर्निंग पे आपको एड्स ऑन रील्स का अर्निंग कितना हुआ है वो शो करता है। दोस्तों आखिर में और एक अपडेट रह गया है जिसके बारे में मैंने जिक्र नहीं किया, मगर मुझे लग रहा है इसको लेके भी जिक्र करना है क्योंकि ये भी फेसबुक का एक बग ग्लिच से जूझ रहा है। तो दोस्तों इस पेज का राइट मैनेजर मोनेटाइज हो चुका है, अब पे आउट एड करने का जो ऑप्शन है गेट स्टार्टेड करने के बाद उस पे इशू हो रहा है। सेटअप अकाउंट पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये पेज पहले से मोनेटाइज है, एग्जिस्टिंग पे आउट पे एड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। यहाँ पे भी जैसे रील्स प्ले बोनस पे इशू आ रहा वैसा ही इशू आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो फिर से मुझे पे आउट सिलेक्ट करने के लिए, फिर से मुझे पे आउट क्रिएट करने के लिए बोला जा रहा है, जबकि यहाँ पे एग्जिस्टिंग पे आउट आना था। तो ये भी एक बग है, ग्लिच है, इसका भी अगर आपको इश्यू है राइट मैनेजर टूल मोनेटाइजेशन को लेके तो आपको थोड़ा वेट करना है। ऐसे ही आप लोग कुछ भी डाल के फिर से पे आउट क्रिएट मत कर लेना, क्योंकि आपके अकाउंट पे ऑलरेडी पे आउट क्रिएट है, आपको सिर्फ एग्जिस्टिंग पे आउट पे आपको राइट मैनेजर टूल से मोनेटाइज करते हुए बैंक डिटेल को ऐड करना। उस केस पे भी मैं कहूंगा ये बग है, ग्लीच है, कुछ दिनों में सॉर्ट आउट हो जाएगा, आपको थोड़ा वेट करना है, सबर रखना है। आज का 2023 का अपडेट आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट सेशन में कमेंट करके बताना, और मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक आप खुश रहो, आबाद रहो, और मैं प्रोग्राम कर दोस्तों, बाय।